और आज के दिवस को याद करके टीबी को मुक्त करने के लिए, भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए हमारी सारी आशाएं और सारा नर्सिंग स्टाफ जो है वो प्रतिज्ञाबद्ध है। और आज इस आह्वान के साथ कि टीबी को मिटाना है और देश को जिताना है, इस आह्वान के साथ सभी लोग इस रैली का आयोजन कर रहे हैं। विश्व क्षय रोग निदान दिवस पर अजमेर शहर की आशाओं व नर्सिंग स्टूडेंट्स ने निकाली जागरूकता रैली। स्वास्थ्य संकुल भवन से CMHO ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। बजरंगगढ़ पर हुआ रैली का समापन। विश्व क्षय रोग निदान दिवस के अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर की आशा सहयोगिनियों, आशाओं व नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। CMHO कार्यालय स्वास्थ्य संकुल भवन से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KK सोनी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM अजमेर राजस्थान के जिला आशा समन्वयक महेश बिहारी माथुर ने बताया कि भारत देश को टीबी से मुक्त कराने व जन जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया है। टीबी को मिटाना है, देश को जिताना है, अजमेर को टीबी मुक्त बनाना है, जैसे नारे के साथ जन जागृति फैलाई गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1882 में जर्मन फिजिशियन रॉबर्ट कॉच ने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की पहचान की थी। वर्ष 2003 से लगातार विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट्स, आशा व आशा सहयोगियों ने हाथों में स्लोगन लिखी, तख्तियां लेकर जागरूकता भरे नारे लगाए और लोगों को सतर्क व सावधान रहकर टीबी रोग से बचाव का संदेश दिया। निदान दिवस को आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे अजमेर शहर की आशा सहयोगियाँ और दूसरी जगह से भी जो अजमेर से प्रधारी भी आशाएं हैं वो भी हमारे साथ साथ हैं। साथ ही हमारे साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके माध्यम से हमने आज रैली का आयोजन किया गया है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा हमारा जो को रवाना किया गया था और आज के दिवस को याद करके टीबी को मुक्त करने के लिए, भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए हमारी सारी आशाएं और सारा नर्सिंग स्टाफ जो है वो प्रतिज्ञाबद्ध है। और आज इस आह्वान के साथ कि टीबी को मिटाना है और देश को जिताना है, इस आह्वान के साथ हम सभी लोग इस रैली का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को जन जागृति के लिए एक संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि किस तरह से वो लोग इस सहभागिता के अंदर हमारा साथ निभाते हुए टीबी मुक्त करें, भारत को टीबी मुक्त करें, हमारे देश को अजमेर को टीबी मुक्त करें और एक नया आयाम स्वास्थ्य का हमारे बीच में बनाएं। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली? हमने जो आज रैली निकाली है वो हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्वास्थ्य संकुल भवन से लेकर हम लोग आज बजरंगगढ़ चौराहे तक आए हैं और यहीं से हमारी पूरी रैली का जो समापन हम लोग संदेश के माध्यम से करेंगे, यही हमारा कार्यक्रम है आज। सर, जेलन के पूरे स्टाफ थे इसमें? जेलन के नर्सिंग स्टूडेंट्स और हमारे जो जिले की आशा सहयोगियाँ हैं उनका एक सक्रिय भागीदारी इसमें रही है और आप जैसा कि देख भी रहे हैं रैली के माध्यम से जो हमारी आशाएं यहाँ पर आई है उनमें कितना उत्साह है इस रोग को मिटाने के लिए। उनके अंदर जिस तरह से नारे को प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है और लोगों को संदेश दे रही है, उससे लगता है कि इनमें एक भावना बहुत भरी हुई है। और चूंकि इनका काम भी स्वास्थ्य के नए आयाम पैदा करने का है, इसलिए अपने पूरे जोर शोर से इस काम को कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनली टीबी के प्रिवेंट करने के लिए हम ये रैली निकाले गए। आज के दिन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच ने इसकी खोज की थी कि टीबी कैसे होती है, टीबी क्या होती है, इसलिए हम आज लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि उनकी टीबी में से कुछ भी सिम्टम्स हो या फिर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ हमें बीमारी है तो वो तुरंत इलाज लें, दवाई अपने पूरा कोर्स ले दवाई का, ऐसे नहीं कि अधूरा छोड़े। पाँच जिसको भी टीबी होती है या फिर जो भी टीबी के पॉजिटिव निकलते हैं उनको ₹500 दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन की खाना पीना सब कुछ पूरी तरीके से। किस तरह के नारे लगाए आपने? टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये सबसे बड़ा नारा। हम सबका ये टीबी मुक्त अजमेर हमारा। हम सबका ये नारा है कि टीबी मुक्त हो और अजमेर टीबी से मुक्त।